Assalamu alaikum and welcome back on English 99. Today's topic is crime and law vocabulary words in English with Urdu and Hindi translation. आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं क्राइम के मुतालिक वोकैबुलरी वर्ड्स. इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग सो बूस्ट योर वोकैबुलरी वर्ड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. दिस लेसन विल गोना हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश फर्स्ट. कम ऑन लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन. फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है अक्यूज्ड. अक्यूज्ड कहते हैं मुलजिम को, यानी जो मुजरिम होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं अक्यूज्ड. अक्यूज्ड. नेक्स्ट है लुटेरा या डाकू, इसे इंग्लिश में कहते हैं मगर. मगर. डकेटी या चोरी को इंग्लिश में कहते हैं बर्गलरी. बर्गलरी. किसी को ज़बरदस्ती अगवा करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं अबडक्शन. अबडक्शन यानी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके किडनैप कर लेना. नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है तोड़ फोड़ करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं वैंडलिज्म. जासूस को इंग्लिश में कहते हैं डिटेक्टिव. डिटेक्टिव. नेक्स्ट है मंशियात की स्मगलिंग करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग. ड्रग ट्रैफिकिंग. इंसानों की स्मगलिंग करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों को ज़बरदस्ती एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाना. जेब कतरे को इंग्लिश में कहते हैं पिक पॉकेट. पिक पॉकेट यानी जो जेब काटते हैं. नेक्स्ट है हाईजैकर. हाईजैकर इसे उर्दू में कहते हैं रहसन. शराब पीकर ड्राइविंग करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रंक ड्राइविंग. ड्रंक ड्राइविंग. चोरी को इंग्लिश में कहते हैं थेफ्ट. थेफ्ट. दहशतगर्दी को इंग्लिश में कहते हैं टेररिज्म. टेररिज्म. कंप्यूटर के मवाद तक रसाई, इसे इंग्लिश में कहते हैं हैकिंग, यानी किसी के पर्सनल डाटा को चोरी कर लेना. नेक्स्ट है बगैर पैसे के सामान लेना, इसे इंग्लिश में कहते हैं शॉप लिफ्टिंग. शॉप लिफ्टिंग. फॉर्जर कहते हैं जालसाज को. फॉर्जर. धमकी देकर दबाव डालना या किसी को प्रेशराइज करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लैकमेल. ब्लैकमेल. जुर्म कसूर या गुनाह को इंग्लिश में कहते हैं गिल्ट. गिल्ट. और मुजरिम को इंग्लिश में कहते हैं guilty. guilty. suspect कहते हैं मशकूक को, जिस पर शक हो उसे इंग्लिश में कहते हैं suspect. बहाल करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं rehabilitate. rehabilitate. convict कहते हैं मुजरिम करार देना, यानी जिसको उसकी सजा सुना दी गई हो उसे इंग्लिश में कहते हैं convict. jury कहते हैं फैसला साज कमेटी को, यानी पंचायत को. कानून साजी को कहते हैं लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन. मुजरिम या गुनाहगार को इंग्लिश में कहते हैं ऑफेंडर. ऑफेंडर. इर्तकाब करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमिट. कॉमिट. रोकथाम करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन. प्रिवेंशन. बाज रखना या रोकना, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेटर. डेटर. जमानत पर रिहा करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलीज ऑन बेल. रिलीज ऑन बेल. जवाब दहिंदा को इंग्लिश में कहते हैं डिफेंडेंट. रिश्वत को इंग्लिश में कहते हैं ब्राइब. ब्राइब. कैदी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिजनर. प्रिजनर. और बच्चों से बदसलूकी करने को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड अब्यूज. चाइल्ड अब्यूज. उम्र कैद को इंग्लिश में कहते हैं लाइफ सेंटेंस. कैद को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट. गैर कानूनी दरामद या बरामद करने को इंग्लिश में कहते हैं स्मगलिंग. स्मगलिंग. नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है असॉल्ट. असॉल्ट.
जिस्मानी हमला यानी किसी को फिजिकली टॉर्चर करना, उस पर तशद्दुद करना। मुद्दई को इंग्लिश में कहते हैं प्रिटेंडर, प्रिटेंडर यानी दावा करने वाला। सिलसिलावार मुजरिम, इसे इंग्लिश में कहते हैं सीरियल क्रिमिनल। केस की समाअत को इंग्लिश में कहते हैं हेयरिंग, हेयरिंग। हल्फनामा को इंग्लिश में कहते हैं एफिडेविट, एफिडेविट यानी जमानत के तौर पर जो आप डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं। नेक्स्ट है जलावतन करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं बैनिश, बैनिश। सजाए मौत को इंग्लिश में कहते हैं डेथ पेनालिटी, डेथ पेनालिटी। सजा के तौर पर जब्त करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉरफीचर, फॉरफीचर। घर में कैद करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं हाउस अरेस्ट, हाउस अरेस्ट। जबरदस्ती कैद में रखना, इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। संगीन जुर्म को इंग्लिश में कहते हैं फेलोनी, फेलोनी। मुलतवी करना या रोक देना, इसे इंग्लिश में कहते हैं एजर्न, एजर्न। एहसासे जुर्म या इस्बाते जुर्म को इंग्लिश में कहते हैं कन्विक्शन, कन्विक्शन। तेज रफ्तारी को इंग्लिश में कहते हैं स्पीडिंग, स्पीडिंग। रोड और ड्राइविंग के कानून को तोड़ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रैफिक ऑफेंसेस, ट्रैफिक ऑफेंसेस। समाजी खिदमात, इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस। गवाह खाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं विटनेस बॉक्स। अदालत का कमरा, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट रूम। खिदमतगार, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट अटेंडेंट, कोर्ट अटेंडेंट। मुकदमा चलाने वाला, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर। मुकदमे की जांच पड़ताल करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल, ट्रायल। फैसले के खिलाफ अपील करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं अपील, अपील। अदालती नामा नगार, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर। इंसान का कत्ल, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैन स्लॉटर। आतिश जनी करना या आग लगा देना, इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्सन, अर्सन। सबूत को इंग्लिश में कहते हैं एविडेंस, एविडेंस। फैसले को इंग्लिश में कहते हैं वर्डिक्ट, वर्डिक्ट। जुर्म से बरी करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं अब्सॉल्व, अब्सॉल्व। सजा से पहले जमानत को इंग्लिश में कहते हैं परोल, परोल। हथकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं हैंडकफ, हैंडकफ। ये था आज का इंटरेस्टिंग सा लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।